हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीके एम नर्सिंग करियर पॉइंट। जीके एम नर्सिंग करियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक जो वैकेंसीज बताई थी, वैकेंसीज यानी कि जो MPCHO की जो वैकेंसीज निकली हुई थी, उसके बारे में आपको मैंने एक मॉर्निंग में जो वीडियो दिया था, वो वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो भी स्टूडेंट को जो भी डाउट रह गए हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ सैलरी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा, कौन कौन से स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं और जॉब लोकेशन क्या रहेगी। सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूले। स्टूडेंट, बात करते हैं इस वैकेंसीज़ के बारे में। ये जो वैकेंसीज़ आपको मैंने जैसे बताया था कि ये जो वैकेंसीज़ निकाली गई थी किसके द्वारा निकाली गई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा निकाली गई थी, यानी कि MPNHM द्वारा वैकेंसीज निकाली गई थी। अब इस वैकेंसीज़ में आगे बढ़ जाते, इसकी नियम पुस्तिका आ गई है यहाँ पर, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो वैकेंसीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे बता देता हूँ। यहाँ पहले बात करते पात्रता, कौन कौन से स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन दिया गया इसकी बात कर लेते हैं, शैक्षणिक योग्यता सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्या परिषद नर्स नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों में BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग या GNM उत्तीर्ण उम्मीदवार, यानी कौन कौन से स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बता देता हूँ आपको कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने क्या क्या कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखा है, जिन स्टूडेंट ने पोस्ट BSc कर रखा है और जिन स्टूडेंट ने GNM कर रखा है, वो स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगले इस पॉइंट पे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे नंबर पर जो जिन स्टूडेंट ने BAMS भी कर रखा है, वो स्टूडेंट भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं आयु सीमा की बात करें, यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ एज लिमिट क्या रहने वाली है। 21 से 40 साल की एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है, दिनांक 1/5/2021 की स्थिति में। यहाँ पे दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःसक्तजन, सिर्फ OS श्रेणी में महिलाओं के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी, यानी कि जो महिलाएं रहेगी उनके लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं मूल निवासी, यहाँ पे बात कर लेते हैं, आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि कहने की बात ये है कि केवल इस वैकेंसीज को MP जो स्टूडेंट है, MP के स्टूडेंट है, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं आगे ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे, कब से स्टार्ट होंगे आपके फॉर्म, आपके स्टार्ट होंगे 15 मई 2021, यानी कि 15 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है कितनी, 31 मई 2021 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थियों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। यह संस्थाएँ शहरी क्षेत्रों में नहीं आता, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदनकारी। यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, 6 नंबर का जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट में बताया है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, यानी कि गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं, वही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं इसमें जो PNC वगैरह मिलेगा वो कहाँ का मिलेगा, विलेज का जो मिलेगा आपको, यहाँ पर बताया गया है इसमें विलेज के इसमें मिलने वाला है गाँव में। यहाँ पर ये संस्थाएँ शहरी क्षेत्रों में नहीं है, यानी कि ये जो फॉर्म डलेगा इसकी जो सिलेक्शन के बाद में जो आपको पोस्टिंग होगी वो संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं इसमें, यहाँ पे दिया है सामान्य, ये नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH प्रोग्राम स्टडी सेंटर प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा के नियम कहलाएंगे, यानी जो CCH का कोर्स होता है उसके लिए जो कोर्स होगा सेंटर के प्रशिक्षण में इसका नाम कहलाएंगे। यहाँ पे दिया गया ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ विभिन्न प्रोग्राम स्टडी सेंटर में प्रवेश लेना चाहते हैं, यानी जो कम्युनिटी CCH का जो कोर्स है वो स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH प्रशिक्षण पूर्ण होने के प्रशिक्षण में टर्म एंड एग्जामिनेशन पूर्ण होने के पश्चात आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को तौर पर नियुक्त किया जाएगा।
रहेगा। इस हेतु मनोदय की राशि विभाग द्वारा पृथक निर्धारित की जाएगी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थियों को संविदा आधार पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यानी जो एक प्रशिक्षण जो है सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद में यहाँ पे दिया गया है कम्युनिटी हेल्थ को संविदा आधार पर रखा जाएगा। इसमें आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा आधार पर कार्यरत उम्मीदवारों को चयन प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने हो तो उन्हें वर्तमान पद से त्याग पत्र देना। यदि जो भी स्टूडेंट जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहते हैं और यदि आप NHM में जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने हेतु वर्तमान पद से आपको क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब यहाँ बता देता हूँ मैं आपको जो वैकेंसीज है कैटेगरीज वाइज सारी इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स के अंदर दिया गया है, कौन से कैटेगरी की कैसे क्या पोस्ट रहने वाली है सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पे नोट दिया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 441 सीटों का आवंटन मान उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार होगा। 441 सीट है उसका आवंटन किसके द्वारा होगा, उच्च न्यायालय के अनुसार होगा। प्रत्येक वर्ग में 33% सीटें पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यानी कि जो भी वर्ग रहेगा उसमें 33% सीट किसके लिए रहेगी, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। परिभाषाएं इसकी देख लेते हैं। इनमें नियमों से टेस्ट से तात्पर्य ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ सिलेक्शन टेस्ट सर्टिफिकेट कोर्स एंड प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। यानी जो आपका टेस्ट होगा वो कौन से मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में इसमें आपका जो टेस्ट रहेगा। सर्टिफिकेट कोर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ के लिए आवेदन लिखित परीक्षा होगी। MPMSY आशय मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे दिया गया है थर्ड नंबर। आरक्षित वर्ग से तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार। विभाग से तात्पर्य है यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM यहाँ पे आपको दिया गया है। इसमें आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई गई है। प्रशिक्षण हेतु CCH प्रशिक्षण में प्रोग्राम स्टडी सेंटर्स उनमें उपलब्ध स्थानों का परिवेष्ट भी, यानी मेरिट लिंक के अनुसार उम्मीदवारों को MPMSY जून 2021 तथा अक्टूबर 2021 तथा 9 जुलाई आवंटित किया जाएगा। यानी जो CCH का जो कोर्स रहेगा यूनिवर्सिटी और MPMSY द्वारा आवंटित किया जाएगा। सर्टिफिकेट की यहाँ सारी यहाँ पे शर्तें आपको दी गई हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक दे दूंगा, ये PDF आप देख के सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। और इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है वैकेंसीज वगैरह के बारे में। आवेदन की चयन प्रक्रिया देख लीजिए, उम्मीदवार को 31 मई 2021 की मध्य रात्रि तक या उससे पहले SMS वेबसाइट यहाँ पे साइट दी गई www.sms.coin पर ऑनलाइन आवेदन कर OAF अपना सबमिट करना है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको डालनी है वो सारी चीज़ आपको ये करना है। अब यहाँ बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये चीज़ आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, BSc नर्सिंग के जो हो गए, रजिस्टर नर्सिंग काउंसिल के हो गए, 10वीं की अंक सूची, मूल निवासी, सारे यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी जानकारी को कवर अच्छे से किया है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन यदि आपको समझ में नहीं आई है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोचिंग का नंबर दिया जाएगा, उस पर जाके भी आप कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस मेहनत को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर कोई वैकेंसी जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।